सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं अरबाब जहांगीर, आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यापार और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की सूरत हाल से आज का प्रोग्राम शुरू करेंगे, जहां पर एक बार फिर बड़ी मुस्बत पेशरफ दिखाई दी और एक मौके पर इंडेक्स 82,000 की सतह के बहुत ही करीब पहुंच गया था, 82,000 को उबूर या टच नहीं कर सका, लेकिन एक बड़ी मुस्बत पेशरफ आज बड़ी अच्छी डेवलपमेंट मार्केट में नजर आई है। और एक ऐसे मौके पर जब फिच की एक रिपोर्ट भी सामने आई जिसमें उनकी जानिब से कहा गया है कि आने वाले दिनों में शायद शरह सूद मजीद कम होंगी और स्टेट बैंक इसको आने वाले दिनों में 14 या 15% तक भी ला सकता है, तो इतनी बड़ी जब कमी वाकई होगी तो फिर मार्केट कितना ऊपर जाएगी और किस तरह से आने वाले दिनों में परफॉर्म करेगी, इस पर हम बात करेंगे। जफर मोती साहब चीफ एग्जीक्यूटिव हैं कैपिटल सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड के, हमारे साथ मौजूद हैं, शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब ये इंडेक्स हम देख रहे हैं कि रोजाना एक नया तारीखी रिकॉर्ड बना रहा है, किस तरह से इस वक्त मार्केट आगे ग्रो कर रही है, मजीद अभी कितनी गुंजाइश है इसमें ग्रोथ की? देखिए, मार्केट तो ग्रो कर रही है प्री बजट से ही, और प्री बजट के बाद थोड़ी रूमर्स यहाँ फैलाई गई कि भाई कैपिटल मार्केट पर टैक्सेशन बहुत बढ़ाएंगे और ये करेंगे वो करेंगे। जब ये नहीं हुआ और रिलीफ आया तो मार्केट ने जो 72,000 का लो देखा था वो दोबारा अपवर्ड मूवमेंट का तसलसल शुरू हुआ है आफ्टर बजट। अब ये जो रैली चली है ये है IMF की जो डील क्लेंच हुई है 7 बिलियन की 37 महीने वाली, वो इसकी वजह से चली है। डॉलर रुपये की पैरिटी में भी 40 पैसे का कमी आई है और मार्केट का मोमेंटम उस हफ्ते में भी तेज़ रहा है जिसमें 9 और 10 मुहर्रम भी गुजर चुका है और पूरा वीक छुट्टियों जैसा ही था। मंडे को मार्केट में ही तेजी थी, फिर 9 और 10 को एक अनटूवर्ड इंसिडेंट भी हुआ बन्नू का, लेकिन फिर भी मार्केट आज तेजी का तसलसल ऑन है। और जैसे आपने अपने इनिशियल नोटिफिकेशन में ही बता दिया है कि भाई अब फिच की रिपोर्टें ये कह रही हैं कि इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगी तो मॉनेटरी पॉलिसी पर नजरसानी होगी। मेरा पर्सनल व्यू है कि अभी तो ये बात दूर है काफ़ी, इस मॉनेटरी पॉलिसी में तो मुझे नजर नहीं आ रहा कि कोई फेवर हो क्योंकि यहाँ पर इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है। अब ये जो है थोड़ा मार्केटें इसको सस्टेन करेंगी, लेकिन फॉरेन फंड्स भी एक्टिव हैं, लोकल फंड्स भी एक्टिव हैं और स्मॉल इन्वेस्टर्स भी एक्टिव है, ये एक अच्छी साइन है कमिंग वीक के लिए। लेकिन अब जफर साहब, ये फिच की जो रिपोर्ट है और जो ग्राउंड रियलिटी है इस वक्त पाकिस्तान में वो बड़ी अलग है ना, महंगाई इस वक्त कंट्रोल में है, स्टॉक एक्सचेंज को अगर हटा लें तो हर सेक्टर इस वक्त परेशान है क्योंकि टैक्सेस की भरमार हो गई है, स्टॉक एक्सचेंज खुशकिस्मती से उन चंद एक सेक्टर्स में शामिल है जिनकी बचत हो गई इस बजट में, उसके अलावा अगर आप दूसरे तमाम सेक्टर्स को ही देख लें तो वहाँ हालात बहुत सख्त और मुश्किल हैं, फिर ऐसी सूरत हाल में स्टेट बैंक के लिए कैसे मुमकिन होगा इतनी बड़ी कमी शरह सूद में करना, और अगर ये हो जाती है तो ये मार्केट के लिए कितनी फ़ायदेमंद होगी? देखिए, हम तो कितनी मरतबा, मेरी बात सही पड़ी कि कितने महीनों से मैं कह रहा था कि अनचेंज रहेगी अनचेंज रहेगी, सिर्फ लास्ट मॉनेटरी पॉलिसी में 150 बेसिस पॉइंट का कमी की गई है इन्फ्लेशन को कम दिखाकर। लेकिन आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ग्राउंड रियलिटी पे तो इन्फ्लेशन कंट्रोल हो नहीं रही है, खुद दूसरी रिपोर्टों में भी है कि भाई अजनास में महंगाई बढ़ेगी, गैस की, इलेक्ट्रिसिटी की, पानी की, तो उसके अप्रोच करने के लिए, उसको रिसीव करने के लिए बहुत महंगाई है, और जैसे ही आप ये फ्यूल की प्राइसेस बढ़ाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस बढ़ाएंगे तो जाहिर है इन्फ्लेशन कैसे कंट्रोल होगी, ये मेरे समझ से बालतर है कि 12% का इन्फ्लेशन हो जाएगा। इसको देखते हुए और ये सब चीज़ें सोचते हुए मेरे को इस मॉनिटरी पॉलिसी में कमी नज़र नहीं आती, अगर कमी की है तो सिम्बॉलिकली करेंगे और अगर कमी की है तो फिर हमारी मार्केट को आप 85,000 के लेवल पर भी देख सकते हैं। अच्छा, और अगर नहीं भी कमी होती जफर साहब तो फिर ये मार्केट इसी तरह 81-82,000 के लेवल पर चलती रहेगी या फिर ये कोई वक्ती ग्रोथ है और कोई ऐसी बड़ी करेक्शन आ सकती है कि वापस ये इंडेक्स 80,000 से नीचे आ जाए? देखिए, एक जो फैक्टर मैक्रो लेवल पर पाकिस्तान के ऊपर हर वक्त मंडलाता है वो है टेररिज्म। अब ये जो फैक्टर है ये कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि हम किस सिम पे जाएंगे, कैसे ये टेररिज्म को कंट्रोल करेंगे, और जो मूवमेंट है अगर खुदा ना खासा कोई यही इंसिडेंट बनू जैसा हुआ तो फिर मार्केट अपने पाँव पर खड़ी नहीं रहेगी। लेकिन अगर हम चलते रहे, ये फाइनल अगर इंसिडेंट हुआ और अफगान हुकूमत ने हमें सपोर्ट करने की ख्वाहिश जाहिर कर दी तो मार्केट और तेज हो जाएगी।
ठीक है। और जफर साहब, अभी नए इन्वेस्टर्स के लिए एक ऐसा वक्त है मार्केट में आने का, चूंकि मार्केट इस वक्त ऑल टाइम हाई पर है, तो ये एक बेहतरीन वक्त है, या फिर जिस वक्त मार्केट डाउन होती है, जब कोई बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं होती, वो एक अच्छा वक्त होता है नए इन्वेस्टर के लिए आने का? दो चीज़ों से नए इन्वेस्टर मार्केट में और आ जाएंगे, एक तो मॉनिटरी पॉलिसी में नजरसानी हो जाए, और एक मैक्रो लेवल पर ये अपना टेररिज्म को कंट्रोल हो जाए। और पॉलिटिकल अब जो ये शोर हो रहा है ये दोबारा थम जाए, तो ये तीनों चीजों का, दो नहीं तीन है, ये तीनों चीजों का इफेक्ट से इन्वेस्टर और आएगा। लेकिन ये तीनों चीजों का प्रिडिक्ट करना बड़ा मुश्किल होता जा रहा है डे बाय डे, और इसमें अब पाकिस्तान कितना सक्सेस होगा, बहुत इफ्स एंड बट्स हैं, वो हमारी मार्केट को बियॉन्ड ले जाएगा 90,000 से। तो जफर साहब, ये भी बताइएगा कि ये लोकल इन्वेस्टर्स का भी इस वक्त एतमाद उस तरह से है मार्केट पर, और फिर जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनकी इस वक्त क्या सूरत हाल है? देखिए, फॉरेन इन्वेस्टर तो अभी बजट से पहले भी सॉलिड फाइव हुआ हुआ था, अभी भी सॉलिड है। लोकल इन्वेस्टर और लोकल फंड्स जो हैं वो ये तीनों एलिमेंट्स को बार बार वॉच कर रहे हैं, ठीक है, और उनकी वॉच करने की वजह से जरा घबराहट होती है, बाकी कोई नहीं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जफर मोती साहब, चीफ एग्जीक्यूटिव कैपिटल सिक्योरिटी, हमारे साथ मौजूद थे और कह रहे थे कि अगर आने वाले दिनों में शरह सूद में वाकई फिश की रिपोर्ट के मुताबिक कमी हो जाती है तो मार्केट 85,000 का इंडेक्स भी उबूर कर सकती है और बड़े पॉजिटिव इंडिकेटर्स मार्केट में फिर शामिल हो सकते हैं। अब फिच जो कि फाइनेंशियल रेटिंग्स का एक इदारा है, उसकी रिपोर्ट्स में और भी काफ़ी सारे मामलों पर बात हुई है, खासतौर पर हुकूमत से मुतालिक जो पेशगोई इस रिपोर्ट में हुई है वो ये है कि सिर्फ 18 माह तक ये हुकूमत चलेगी, 1.5 साल का अरसा बमुश्किल हुकूमत मुकम्मल कर पाएगी, और इसकी वजह शायद जो माशी आदाद व शुमार हैं उनकी जो सख्ती है, उनके जो चैलेंजेस हैं वो भी एक बुनियाद बन सकती है। साथ ही कुछ, चूंकि सियासत और मईशत का बड़ा आपस में एक गठजोड़ होता है, तो इमरान खान के मुस्तकबिल से भी मुतालिक बात की गई है, चूंकि अगर सियासी इस्तेहकाम आएगा मुल्क में तो माशी इस्तेहकाम आएगा, तो ये कहा गया है कि अभी कुछ अरसे तक वो जेल में ही रहेंगे। और फिर जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, खासतौर पर महंगाई से मुतालिक कहा गया है कि इस रिपोर्ट में कि महंगाई आने वाले दिनों में कंट्रोल में रहेगी, लेकिन ये कंट्रोल में कैसे रह सकती है इस बजट के बाद, खासतौर पर किस तरह से मुमकिन हो सकेगा, चूंकि कहीं कोई ऐसे स्टेप्स नहीं उठाए गए कि एक आम आदमी को इस बजट में रिलीफ मिलता हुआ नजर आए। कुरैशी साहब मायरे माशियात हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। तो नईम साहब, ये फिच की जो रिपोर्ट आई है महंगाई में कमी का, भी ये बता रहे हैं कि आने वाले दिनों में महंगाई अंडर कंट्रोल रहेगी, जो इंटरेस्ट रेट है वो भी स्टेट बैंक कम कर देगा, अब ये जो पॉजिटिव इंडिकेटर्स इसमें दिखाए गए हैं, ये क्या काबिल अमल हैं आने वाले चंद दिनों में हुकूमत के लिए, कुछ माह में हुकूमत ये सब कुछ कर सकेगी? नईम साहब, अपने माइक को अनम्यूट कर लीजिएगा, आपकी आवाज नहीं आ रही। जी, अब आवाज जी आ रही है, जी अब गुफ्तगू कीजिएगा। मैं ये अर्ज कर रहा था कि देखिए, जो कुछ भी फिच और मूडीज ने कहा है ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं, लेकिन जो कुछ भी उन्होंने इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के बारे में जो कुछ भी कहा है, यकीनन हम भी ये उम्मीद कर रहे थे, या मेरे अलावा जितने माहिरीन मौशियात हैं वो सब ये कह रहे थे कि जो सूद का रेट है पाकिस्तान में उसे कम होना, तो अगर ये 2-3% कम हो जाता है तो यकीनन ये बहुत खुशाइन बात हो। देखिए, असल चीज देखने की ये है कि इन दोनों क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज ने क्या कहा है। उन्होंने कहा है कि जब तक दोनों ने, जबकि ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं, लेकिन इन दोनों ने ये कहा है कि जब तक सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा, मुल्क का मुआशी तौर पे आगे बढ़ना जो है वो बहुत मुश्किल है। हद तक के फिच ने तो ये तक बता दिया कि मौजूदा हुकूमत 18 महीने से ज्यादा चलने की पोजीशन में नहीं है। अगर हमारा मुहायदा हो जाता है IMF के साथ, तो यकीनन हमें पेमेंट्स के मामले में थोड़ी सी सहूलत जरूर हो जाएगी, हमें बराए नाम इस्तेकाम मईशत में नजर आएगा। लेकिन उसके बावजूद आप ये याद रखिए कि रवा माली साल में 21 अरब की जो है अरब डॉलर्स की हमें अदायगियां करनी है। सही। उसके अलावा आप ये भी देखिए कि पाकिस्तान में ये वाहिद हुकूमत है जिसकी तारीख दी जा रही है, जिसके बारे में क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज ये बता रही हैं कि ये एक नहायत
कमजोर हुकूमत है और इसको अवाम का मैंडेट हासिल नहीं। फिच ने अपनी रिपोर्ट में इंतखाबी नताइज के बारे में गुफ्तगू की है कि आजाद उम्मीदवार बड़ी तादाद में आ गए हैं जिन्हें इमरान खान की सपोर्ट हासिल है। तो ये बड़ी तशवीशनाक रिपोर्ट है एक तरह से। मईशत में इतनी के आसार हैं, महंगाई के जो मामलात हैं वो तो आप याद कर लीजिए कि जब बजट आया था और हमने कहा था कि महंगाई होगी तो देख लीजिए कि बजट 12 जून को आया था और आज आप देख लीजिए कि बिजली के गैस के रेट कितने बढ़ गए हैं, कितनी सनतों बंद होने की बात हो रही है। और जो बार बार हम कह रहे थे कि हकूमत को ऐसे इकदाम करने चाहिए कि जिससे एक्सपोर्ट बढ़े, लेकिन सनतें जो है वो बंद हो रही है। बिल्कुल, तो नहीं साहब, ये तमाम इकदाम उठाने के बाद भी किसी हम बेहतर पोजीशन में तो नहीं है? इतने टैक्सेस आयद कर दिए गए, महंगाई इतनी बढ़ गई, लेकिन अभी भी आप बता रहे हैं कि अगर ये 21 अरब डॉलर की पेमेंट्स पाकिस्तान को करनी है तो इतना फंड, इतने रिजर्व्स पाकिस्तान के पास मौजूद हैं कि वो एक साल में कर सके। IMF से मुआहदा अगर हो भी जाता है तो उसके बावजूद भी पाकिस्तान इस पोजीशन में होगा इन पेमेंट्स को करने के, और खुदा ना खास्ता ये पेमेंट्स नहीं हो पाती तो उसका नतीजा क्या निकलेगा फिर? देखिए, इस वक्त जो है 9.4 अरब डॉलर हमारे पास मौजूद है, इसीलिए मैं कह रहा था कि इस 21 अरब डॉलर की तो हमें ज़रूरत है। तो इस एतबार से अभी भी पाकिस्तान जो है मुआशी तौर पे और अदायगियों के एतबार से बहुत नाजुक पोजीशन में है। अच्छा। और यही लफ्ज दोनों एजेंसीज ने इस्तेमाल किया है कि सूरत हाल बहुत नाजुक। हम इस हकूमत से ये तवक्का कर रहे थे, गलत तवक्का कर रहे थे कि शायद ये सियासी इस्तेहकाम के लिए कुछ करें, लेकिन आपने देखा कि बजाय सियासी इस्तेहकाम की तरफ जाने के, बजाय मफाहमत की तरफ जाने के, आपने देखा कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात को जो है वो गैर कानूनी करार देने के लिए हकूमत ने ऐलान किया है कि वो रेफरेंस फाइल करेंगे। अगर ऐसा हो तो आप सोच लें कि मुल्क में इस्तेकाम की क्या हालत। बिल्कुल, अच्छा नईम साहब, एक तरफ ये इन दो इदारों की रिपोर्ट्स हैं और एक तरफ हुकूमत का माइंडसेट है, उनका भी एक जाहिर है जो उनका थिंकिंग का एक थिंक टैंक बना हुआ है, उसकी ये सोच है जिसमें एहसन इकबाल साहब भी शामिल हैं, जिसमें मोहम्मद औरंगजेब साहब और दीगर ऐसे मिनिस्टर जो कि इकॉनमी और प्लानिंग के मामला देख रहे हैं, तो वो तो बिल्कुल मुस्तरद कर रहे हैं रिपोर्ट्स को कि ये हम इसको नहीं मानते हैं रिपोर्ट्स को, पाकिस्तान बड़े एक सेफ जोन में, हम अपने 5 साल भी पूरे करेंगे। तो ये इकोनॉमिक इंडिकेटर्स ऐसे आपको नजर आ रहे हैं कि ये हुकूमत 5 साल अपने पूरे कर सके और हालात भी बेहतरी की जानिब जाए? सिवाय हुकूमती अराकीन के मुझे पाकिस्तान में ऐसा कोई शख्स नजर नहीं आता, कोई दानिश्वर ऐसा नजर नहीं आता, कोई सहाफी ये नजर कहता हुआ नजर नहीं आता कि ये हुकूमत अपने 5 साल, क्या ये हुकूमत तो 1.5 साल भी नहीं निकाल पाएगी अगर यही मौजूदा हालात रहे। आप देख लीजिए कि इस वक्त आवाम जो है महंगाई के तले पिस चुके हैं और उसके इंडिकेटर्स ये होते हैं कि लोग पाकिस्तान से बाहर जाना चाहते हैं। आपको याद होगा कि हमने CPEC के मामले में बात की थी जिस वक्त वज़ीर आज़म दौरा कर रहे थे चाइना का। बिल्कुल। आप मुझे बताएं आज उस दौरे के हमारे सामने क्या नताइज आए हैं और आज चाइना का जो दौरा था वज़ीर आज़म का, आज वो उसके बारे में क्या गुफ्तगू करते हैं, वो जो गेम चेंजर CPEC था आज उसका कितना तस्करा होता है, जो इन्वेस्टमेंट लेके आनी थी बाहर से आज उसकी गुफ्तगू SIFC में कहाँ होती है, कौन करता है, कौन सा वजीर कर रहा है इस वक्त, कौन सा वजीर कोई दावे कर रहा तो है। इसका मतलब नहीं साहब, वो चाइना का दौरा और उससे पहले जो UAE और सऊदी अरब के दौरे थे, फिर वो क्या उसको हम फिर नाकाम समझें अभी तक, अगर उसके कोई दूरस्थ असरात नहीं सामने आए या कोई फवायद उसके नहीं अभी तक जाहिर हो सके? देखिए ये बिल्कुल, देखिए हमारा मकसद सिर्फ लोगों को सच बात बताना है। आप खुद बताइए कि क्या हम कह सकते हैं कि वो दौरे कामयाब थे, सिवाय उस वक्त मुख्तलिफ दावे किए जाते और फिर बात ख़त्म हो जाती है। याद कीजिए कि चाइना के दौरे में क्या कहा था, सऊदी अरब के बारे में क्या कुछ हो रहा था। अभी मैंने 5 अरब डॉलर की जो वो सरमायाकारी की बातें हो रही थी कि जी हम पाकिस्तान में गैस और तेल की तलाश के लिए 5 अरब डॉलर की जो सरमायाकारी आएगी, वो कहाँ है सारी गुफ्तगू? आज हम क्यों IMF के अलावा किसी से बात नहीं कर पा रहे? शायद IMF से अगर ये मुआहदा हो जाए तो मुमकिन है कि हमें थोड़ी सी जो है रिलैक्सेशन इस एतबार से मिल जाए कि हमारे रिजर्व में कुछ इजाफा हो जाए कि हम थोड़ा आगे जा सकें, अदरवाइज
पाकिस्तान की सूरत हाल, मुआशी सूरत हाल इस वक्त बहुत नाजुक है। तो नईम साहब, अगर ये मुआहदा हो भी जाता है तो ये $7 अरब तो पाकिस्तान को 37 माह में मिलेंगे, यानी वो हर साल का भी आप एवरेज लगाएं तो कोई 2.5 अरब डॉलर मैक्सिमम बनता है। तो ये सालाना $2.5 अरब मिलने से क्या पाकिस्तान का जो कर्जों का बोझ है वो उसमें कहीं कोई क्या वक्ती तौर पर वो कमी आ जाएगी, पाकिस्तान वो अपनी पेमेंट्स करने के काबिल हो जाएगा? देखिए, जैसे मैंने इसका बेहतरीन जवाब मैं आपको ये दे सकता हूँ कि आपने बिल्कुल सही रकम का एवरेज निकाला है। आप देखिए, रवा माली साल में 21 अरब और 26-27 का जो साल है उसमें हमें 23 अरब जो है वो चाहिए होंगे। तो आप ये बताइए कि ये जो हम उनसे लेंगे तो वो रकम का हमें कितना फ़ायदा होगा। मैंने बार बार ये कहा कि ये सिर्फ मईशत पे सियासत करते हैं, प्रोपेगंडा करते हैं। आपने बिल्कुल सही निशानदेही की है कि जनाब अगले साल यही रकम 23 अरब हो जाएगी तो फिर हम क्या करेंगे। लिहाजा हुकूमत को वाकई संजीदगी से ये करना चाहिए कि अब अगर हमारी बात नहीं माननी, पाकिस्तान के किसी सहाफ़ी की बात नहीं माननी, किसी दानिश्वर की बात नहीं माननी, अवामी नुमाइंदों की बात नहीं माननी, तो कम अज़ कम इन गैर मुल्की क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों ही की बात मान के सियासी इस्तेकाम की तरफ जाएं, मामलात को नीचे लाएं और संजीदगी से मईशत के बारे में सोचें। सिवाय दावों से काम नहीं चलेगा। आप देख लीजिए कि कितनी महंगाई हो गई है, और हमने यही बात की थी आपके प्रोग्राम में बजट वाले दिन कि देखिएगा एक माह में क्या हो। ठीक है, तो नईम साहब, अगर ये सियासी टेम्परेचर को चले नीचे लाते भी हैं, बेहतर हो जाते हैं हुकूमत और अपोजिशन के ताल्लुकात आपस में, उससे इकोनॉमी को ज़रा क्या फ़ायदा होगा? अगर कोई एक दो ऐसे फ़ायदे जो कि लॉन्ग टर्म में फिर मुल्क की मईशत को फ़ायदा पहुंचा सके, जिससे कर्जों का बोझ कम हो सके, महंगाई कम हो सके, कोई कनेक्शन इनका आपस में है? जी बिल्कुल, इस एतबार से बहुत अहम कनेक्शन है कि जो पाकिस्तान में सरमायाकार हैं अगर वो इस गैर यकीनी की कैफियत से निकल जाएंगे तो वो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे। सनतें बंद हो जाएंगी। सनतें इसलिए बंद हो रही हैं कि लोगों को यहाँ के गैर यकीनी हालात में यही एक हल नज़र आता है कि या तो पाकिस्तान से चला जाया जाए या पाकिस्तान से सरमाए को निकाल लिया जाए और फैक्ट्रियों को बंद कर दिया जाए। तो अगर सरमायादार कार को एतमाद हासिल होगा तो यही रवैया बैनुल अक्वामी सरमायाकारों का भी होगा। फिर ओवरसीज पाकिस्तानी भी इन्वेस्ट करेंगे, फिर ओवरसीज के जो इन्वेस्टर्स हैं वो भी इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन जब पाकिस्तान में हम इस्लामाबाद में बार बार ये कहें कि सिक्योरिटी के मसाइल हैं, हम तो एक जलसा भी नहीं करने दे सकते। जब आप बार बार हुकूमत ये बताएगी कि हम दहशतगर्दी के शिकार हैं, हम टेररिज्म के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, तो इस मुल्क में कौन आएगा? अपने छोटे से सियासी मफाद के लिए अगर आप बार बार लोगों को ये बताएंगे कि हम तो एक जलसा भी नहीं करने दे सकते किसी को सिक्योरिटी सूरत हाल के, तो आप बताइए कौन है? पिछले दिनों जर्मनी की कौंसलेट ने एक हफ्ते के लिए अपना कौंसलेट बंद कर दिया इनकी बातें सुन के जी सिक्योरिटी के मसाइल है। एक हफ्ते के बाद उनका कौंसलेट खुला है। तो ये सारी बातें जो हम बार बार करते हैं, हमारी गुफ्तगू का मकसद यही होता है कि हुकूमत को होश के नाखून लेने चाहिए और समझना चाहिए कि पाकिस्तान 25 करोड़ के आवाम का मुल्क है, ये बहुत बड़ा मुल्क है, इसकी मईशत के साथ खिलवाड़ करना मुनासिब नहीं है, इस मुल्क के आवाम के साथ खिलवाड़ करना मुनासिब नहीं है। एक पैसे का रिलीफ नहीं दिया इन्होंने आवाम को, और वज़ीर आज़म साहब को देखें वो किस किस्म की बातें करते हैं कि जी हम आवाम को रिलीफ दे रहे हैं और खुशहाली का दौर शुरू हो गया, लोग मर रहे हैं, लोग खुदकशियाँ कर रहे हैं और ये कहते हैं जी खुशहाली का दौर शुरू। नहीं साहब, वो जिस 50 अरब की वो सब्सिडी की बात कर रहे हैं जो 3 माह तक बिजली के कम यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फीन को दी गई है, तो वो भी तो सरकारी खजाने से जो टैक्सेस की मद में रेवेन्यू जमा होता है वो उसी से जाएगा ना। हुकूमत वो अपनी जेब से तो रिलीफ नहीं दे रही है, वो भी दूसरे लोगों से लेके तीसरे लोगों को रिलीफ दिया जा रहा है। देखिए, ये ऐसी ही इसकी बदतरीन मिसाल जो है ना वो मैं आपको लैपटॉप स्कीम की देता हूँ। अगर आप लोगों के घरों के लिए एयर कंडीशन खरीद के देने लगे सरकारी खजाने से, अगर आप लैपटॉप देने लगे, आप लोगों को मोटरसाइकिलें देने लगे अवामी खजाने से, तो इसमें ऐसी कौन सी खूबी की बात है? ये मईशत को मुस्तहकम करने का ये तरीका कार नहीं है, ये वोटरों को खुश करने का तरीका है, लेकिन आप करोड़ों वोटरों को खुश नहीं कर सकते इस सियासी रिश्वत से। ये मईशत के साथ जो है बहुत ज्यादती है
कि आप कौमी खजाने को इतनी बेदर्दी से और इस तरह खर्च करें और फिर उसकी पब्लिसिटी करें। रोजाना अखबार में अब जो है ना वो इश्तहार शाया होते हैं हुकूमत के। आप बताइए कि क्या ये हम अफोर्ड कर सकते हैं कि करोड़ों अरबों रुपए की पब्लिसिटी की नजर कर दें छोटे से प्रोग्राम के लिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया नईम कुरैशी साहब, हमारे माशा हमारे साथ। एक ब्रेक लेते हैं, छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कुछ और हम मौजूद पर बात करेंगे। एक बार फिर प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। और पाकिस्तान भर के ताजर और सनतकार इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान है, और उसकी वजह बढ़ता हुआ पावर टैरिफ है। आईपीपीज़ इसकी एक बड़ी वजह है, चूँकि पाकिस्तान में जो इस वक्त एनर्जी बनाने की जो बिजली की जो पैदावारी सलाहियत है वो 43,000 मेगावाट है, लेकिन जो बिजली डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है वो 23,000 मेगावाट, यानी 20,000 मेगावाट के इजाफी चार्जेस इस वक्त पूरी इंडस्ट्री को पूरे मुल्क को अदा करने पड़ रहे हैं। और फिर इससे जो टैरिफ है वो महंगे से महंगा होता जा रहा है। जो मिल्स इस वक्त हैं, 100 के करीब लार्ज स्केल फैक्ट्रियाँ बंद हो चुकी हैं, टेक्सटाइल मिल्स बंद हो रही हैं, एक्सपोर्ट्स पिछले दो साल में 19 अरब डॉलर से 16 अरब डॉलर पर कम होकर आ चुकी हैं। 3 अरब डॉलर्स की एक्सपोर्ट्स में कमी आई है, और इसकी वजह यह कि जो इस वक्त बिजली जिस कीमत पर मिल रही है वो बहुत ज़्यादा हो चुकी है। दो साल पहले 2022 में बिजली का एक यूनिट सनत को 16 रुपये का मिला करता था, जो अब बढ़कर 42 रुपये पर पहुँच गया। इसी तरह से गैस के महंगा होने का भी असर इन तमाम फैक्ट्रीज़ और सनतों को पड़ा है। 2022 में इंडस्ट्री को जो गैस 14 रुपये फी यूनिट मिल रही थी, आज उसका रेट 40 रुपये। अब यहाँ पर दिलचस्प बात यह है कि वज़ीर आज़म ने गुज़िश्ता माह एक ऐलान किया था कि तकरीबन 10 रुपये राउंड ऑफ करके वो फिगर था कि फी यूनिट सनतों के लिए बिजली में रिलीफ मिलेगा, लेकिन उसके बाद हुआ है कि नेपरा की जानिब से जब बिजली के रेट्स बढ़ाए गए तो वो रिलीफ कम होकर 4-5 रुपये से भी कम रह गया है। अब इस पूरी सूरत हाल में इतना परेशान है सनतकार और एनर्जी एक्सपर्ट, इस बारे में क्या कहते हैं इस पर हम बात करेंगे। डॉक्टर खालिद वलीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एनर्जी एक्सपर्ट हैं। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। साकिब फयाज साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे, FPCCI के सदर हैं। दोनों मौजूद मेहमानों का बेहद शुक्रिया। डॉक्टर खालिद साहब, ये इस वक्त जो हम इंडस्ट्री की परेशानी देख रहे हैं उसकी वजह है कि बिजली गैस मुसलसल महंगी हो रही है, और ये किसी एक पॉइंट पर जाकर रुक नहीं रही है, तो सनतें बंद हो रही हैं, एक्सपोर्ट्स हमारी कम हो रही हैं, इस मसले का कोई हल, इसकी बुनियादी वजूहत आपकी नज़र में है कि नज़र में है क्या? देखें, इसको समझने के लिए आपको ये समझना है कि आपकी जो एनर्जी है वो आपकी इकोनॉमिक्स के साथ, मईशत के साथ किस तरह जुड़ी हुई है। तो ये इस तरह से जुड़ी हुई है कि आपने जो परचेजिंग पावर एग्रीमेंट साइन किए हुए हैं उसमें आपने अपने जो कैपेसिटी चार्जेस हैं, जो आपके टैरिफ का अबाउट 70% बनते हैं, तो उस 70% को आपने डॉलर के साथ लिंक किया हुआ है, आपने इंटरेस्ट रेट के साथ लिंक किया हुआ है, आपने जो है वो इन्फ्लेशन रेट के साथ लिंक किया हुआ है। अब अगर आपने इन तीनों इंडिकेटर्स के साथ लिंक कर दिया है, और ये तीनों इंडिकेटर्स आपकी मईशत के साथ जुड़े हुए हैं, अगर आपकी इंडस्ट्री नहीं चलती, आप जो है वो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो अर्न नहीं करते हैं, एक्सपोर्ट्स जो है वो अर्न नहीं करते हैं, तो उसकी वजह से आपके डॉलर रेट पे प्रेशर आता है, एक्सचेंज रेट पे प्रेशर आता है, वो ऊपर जाता है, इंटरेस्ट रेट ऊपर जाता है, आपका जो इन्फ्लेशन है वो ऊपर जाता है। और जब ये चीज़ें इंडिकेटर्स ऊपर जा रही होती हैं तो फिर हमें जो है वो आपकी जो एनर्जी का टैरिफ है वो इंक्रीज़ होता है, और जब एनर्जी का टैरिफ इंक्रीज़ होता है तो आपकी इंडस्ट्री सफ़र करती है। तो एक स्पायरल है, सर्कुलर आपका जो विशियस साइकिल है, जिसकी वजह से आपकी मईशत बिगड़ती है और मईशत के साथ एनर्जी बिगड़ती है, और फिर ये सर्कल जो है वो जारी रहता है। तो मुल्क में करना ये होगा कि आपको इनोवेटिव टैरिफ लेके आना होगा। आपका जो टैरिफ स्कीम है ये 1990s में बना था, और उस टाइम पे पाकिस्तान में एनर्जी की शॉर्टेज थी। जो हुकूमत की पॉलिसी थी वो ये थी कि किसी तरीके से एनर्जी कंजम्पशन को कम किया जाए। अभी जो है वो आपके पास एक्सेस कैपेसिटी है, आपको एनर्जी कंजम्पशन को बढ़ाना है, तो इस टैरिफ स्कीम को चेंज करना होगा ताकि हम वो लोग जो ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं या आपका जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसको आप जो है वो मरात दे सकें, और उसको कथा कलामी की माजरत, लेकिन ये सिर्फ एनर्जी कंजम्पशन को बढ़ाना होगा या फिर जो एग्रीमेंट्स हैं आईपीपीज़ के साथ क्या उनको भी फिर रिविजिट करना इस वक्त की बड़ी ज़रूरत है? वो जो टैरिफ रेट उनसे तय हुआ हुआ है क्या उसमें भी कमी लाने की ज़रूरत है? जी बिल्कुल, देखें उसको रीनिगोशिएट इस तरह से करना है कि पर्टिकुलरली वो पावर प्लांट्स जो आपके सीपैक के अंडर लगे हैं, चूँकि अभी आप देखें तो जो सीपैक के पावर प्लांट्स हैं उनको आप अदायगियाँ नहीं कर पा रहे हैं मईशत आपकी जो इकोनॉमिक डाउन टर्न है उसकी वजह से। तो जब आप उनको अदायगियाँ नहीं कर पा रहे तो वो चल नहीं रहे हैं, उनका यूटिलाइजेशन रेट ड्रॉप होकर ऑलमोस्ट 0% पे आ गया, और जब भी उनका यूटिलाइजेशन रेट ड्रॉप होता है तो इसका मतलब है वो चलेंगे नहीं, और जब चलेंगे नहीं तो उसके कैपेसिटी चार्जेस बढ़ते जाएंगे। तो आपको उन आईपीपीज़ के साथ इस तरह से रीनिगोशिएट करना है कि आप उन्हें ये समझाएँगे कि आपकी मईशत, पाकिस्तान की मईशत अगर चलेगी तो हम आपको रीपे कर सकेंगे, और अगर आप कैपेसिटी चार्जेस को कुछ कम करते हैं और इन पीपीएस को रीनिगोशिएट करते हैं तो पाकिस्तान की मईशत में वो कुशन आ जाएगा कि आप हम आपको वो
री पेमेंट्स कर सकते हैं, तो इस चीज को रियासत को रिनिगोशिएट करना है इन आईपीपीस के। ठीक है, तो अब फयाज साहब ये बताइएगा कि इस वक्त इंडस्ट्री की क्या सूरत हाल है। ये 100 लार्ज स्केल फैक्ट्रीज बंद हो चुकी हैं, कई मिल्स बंद हो चुकी हैं, एक्सपोर्ट्स हमारी पिछले 2 सालों से मुसलसल गिर रही हैं, तो ये आईपीपी ही एक बुनियादी फैक्टर है जो इस वक्त एनर्जी टैरिफ है बढ़ता हुआ, वही आप लोगों की इसलिए इस वक्त सबसे मुश्किल बना हुआ है। देखें, इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं, इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं। इसमें अगर मैं ये कहूँ कि द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर इज आईपीपी, द एग्रीमेंट विद आईपीपी। देखिए, आपकी जो कॉस्ट है, जो एक्सपोर्ट की आपकी कॉस्ट है, हमारी फाइनेंशियल कॉस्ट जो हमारी रीजन में सबसे हाई है, जो इंटरेस्ट रेट है हमारा, हमारी एनर्जी कॉस्ट जो है या हमारी एनर्जी प्राइसेस जो है वो रीजन में हमारी सबसे हाई है। तो हमारी जो भी प्रोडक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट होगी वो कम्पीट नहीं कर पा रही है। और आईपीपीस के जो जहां तक एग्रीमेंट्स का ताल्लुक है, तो मुझे ये समझ नहीं आती कि ये इसमें कौन से किस्म के ये एग्रीमेंट्स हैं कि अगर हमारी 45,000 मेगावाट जो है वो जनरेशन हो रही है हमारी इलेक्ट्रिसिटी, और सिर्फ 23,000 मेगावाट जो है वो ट्रांसमिशन लाइन में आती है, और अगर उसकी ज्यादा अगर हम उसको बढ़ाना चाहें तो उनके पास इसकी कैपेसिटी ही नहीं है कि वो इसको ज्यादा ट्रांसमिट लाइन में लेकर आए, और जो बाकी जो बिजली जाया हो रही है उसकी पेमेंट जो है वो कंज्यूमर कैपेसिटी चार्जेस की मद में उसको भरना पड़ता है। सही। तो ये आप ये समझ लें कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है जो ना तो अल्टरनेट एनर्जी की तरफ जा सकता है, उसका उससे ये फायदा उठा रहा है, ना वो सोलर एनर्जी। तो फैया साहब, इसका मतलब जिन अदवार में ये वायदे हुए मुस्लिम लीग यूनियन पीपल्स पार्टी के जो दौर थे, और जिन टर्म्स पर ये वायदे हुए वो टर्म्स ही गलत थी, चूंकि उस वक्त अगले 10-12-15-20 साल के बाद का नहीं सोचा गया। नहीं, मेरे ख्याल में ये मुआहदे हो नहीं सकते। देखिए, ये कैसे हो सकता है कि एक ये वाला मुआहदा हो जाए कि आप वो चीज हमें देंगे ही नहीं, हमें वो चीज पाइपलाइन में देंगे ही नहीं और हम उसकी पेमेंट करेंगे। मैं तो ये समझता हूँ अगर हम आईपीपीस के साथ भी बैठे हैं, दे आर ऑल्सो वेल रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन, और वो जो है अगर उनके साथ भी बैठे हैं तो वो भी इस चीज को समझेंगे कि अगर वो चीज हम लोग अगर कोई चीज एक पाइपलाइन में हम दे ही नहीं रहे वो चीज, या अगर उस चीज का मुल्क को इतना नुकसान हो रहा है, तो मेरे ख्याल में कोई ऐसी बात नहीं है कि हम लोग बिल्कुल तो, अब तो ये बहुत लंबा अरसा हो गया फयाज साहब इस नुकसान को का बोझ उठाते हुए, और हर एक आम आदमी इस बोझ को उठा रहा है, तो क्या ये क्रिमिनल एक्ट में फिर आता है जिन लोगों ने ये मुआहदे किया, क्या उनके खिलाफ फिर कोई कार्रवाई होनी चाहिए? चूंकि आपका भी जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स है ये उस वक्त भी मौजूद था, उस वक्त आप लोगों की जानिब से कोई इन मुआहदों के खिलाफ कोई प्रोटेस्ट हुआ? देखिए, हमारे हमारे सामने तो ये कभी एग्रीमेंट आई नहीं कि एक्चुअल एग्रीमेंट है क्या। मैं अभी भी समझता हूँ कि अगर इन एग्रीमेंट को रिव्यू करें या इन एग्रीमेंट्स को इवन आईपीपी के साथ ही बैठें और उनके साथ बैठ के इसको रिव्यू करें और उनको ये बात समझाएं कि ये कैसे पॉसिबल है कि पूरी दुनिया जो है वो अल्टरनेट एनर्जी से फायदा उठाती है, हम इसलिए नहीं उठा सकते कि जी हमने जो कैपेसिटी चार्जेस देने या जो हमने जो उनकी हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है हमने उसकी पेमेंट करनी करनी है। तो ये जो है ये इस किस्म का जो एग्रीमेंट है हमें इसको रिव्यू करना होगा। तो फयाज साहब, ये इस मतलब वादे करते हुए क्या फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स को नहीं एतमाद में लिया जाता था, बिजनेस कम्युनिटी या जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, क्या उनकी रजामंदी के बगैर ये वादे किए हैं सारी हुकूमतों ने? नहीं सर, ये इस मरतबा तो जो पूरा बजट बनाया गया है उसमें हमें नहीं एतमाद में लिया गया, जो इकोनॉमी पॉलिसी बनाई गई है वो उसमें हमें एतमाद में नहीं दिया गया। ये तो फिर आईपीपीस के साथ एग्रीमेंट है, हमें तो बिल्कुल भी उसमें एतमाद में नहीं दिया गया। आईपीपीस वाले जो एग्रीमेंट्स हैं उसका उसकी बिल्कुल कोई नो हाउ फेडरेशन को या बिजनेस कम्युनिटी को या इंडस्ट्रियलिस्ट को नहीं होती थी? नहीं, देखें ये तो होती थी कि वो आईपीपीस के साथ एग्रीमेंट हो रहे हैं और जो हमारे वो कोसुगत इलेक्ट्रिक सिटी का शॉर्टफॉल था उसको पूरा करने के लिए एग्रीमेंट हो रहे हैं, लेकिन ये एग्रीमेंट जो अभी इसकी जो कंडीशंस सामने आ रही हैं इन कंडीशंस का बिल्कुल भी नहीं था। अच्छा। FTCCI को या किसी भी ट्रेड बॉडी को। ठीक है, तो डॉक्टर खाली साहब, अब ये जिन कंडीशंस की इस वक्त बात हो रही है जो कि इस वक्त पूरी मुल्की मईशत पर अब बोझ बनी हुई है, अब ये रीनेगोशिएट करना क्या इतना आसान होगा हुकूमत के लिए? एक चीज जो साल से चलती चली आ रही है, आईपीपीस क्यों
इस बात पर कन्विंस होंगे कि हाँ जी ये जो आप ओवर चार्ज कर रहे हैं वो आप हम ना हमें ना दें और आपकी इकोनॉमी फले फूले, तो उनको मनाना इतना आसान होगा आपकी नज़र में? देखें ये दोनों चीज़ें इंटरकनेक्टेड हैं। अगर आप मईशत इसी तरह से सुकड़ती जाएगी और आपका एनर्जी टैरिफ जो है वो बढ़ता जाएगा, तो एक पॉइंट वो आ जाएगा जिस पे या तो आप पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की तरफ चले जाएंगे और आपकी जो इकोनॉमिक सिक्योरिटी है वो उससे हर्ट होगी, और उसके बाद फिर वो सभी बिजनेसेस जो हैं वो हर्ट होना शुरू हो जाते हैं जब आपके मुल्क में जो है वो इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी की बात होना शुरू हो जाती है, अनसर्टेनिटी बढ़ जाती है। तो आईपीपीस के प्रॉफिट्स जो हैं वो भी इसी चीज़ के साथ जुड़े हुए हैं कि वो मुल्क की जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है वो मेंटेन रहे। और दूसरी चीज़ ये कि जैसे जैसे आपका एनर्जी टैरिफ बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे लोग ग्रिड को छोड़ रहे हैं। अगर आप रेजिडेंशियल डिमांड को देखें वो भी डिक्रीज हुई पिछले साल, आपकी जो इंडस्ट्री है वो भी ग्रिड से जो है वो हटती जा रही है, कैप्टिव पावर प्लांट्स की तरफ जाती जा रही है। तो हुकूमत का और आईपीपीज का इस चीज़ को समझना लॉन्ग रन के लिए कि उनकी जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है वो भी इसी चीज़ के साथ लिंक्ड है कि किस तरह से आप एनर्जी को अफोर्डेबल करते हैं फॉर रेजिडेंशियल कंज्यूमर्स और फॉर इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स। दूसरी चीज़ ये कि जो आप इंडस्ट्री का रोल है उसको शायद गवर्नमेंट ने भुला दिया है। अगर आप चाइना को देखें तो चाइना का जो इलेक्ट्रिसिटी मिक्स है उसमें इंडस्ट्री का जो रेशियो है वो 50% है, मतलब आपकी जो टोटल एनर्जी कंजम्पशन है उसमें इंडस्ट्री 50% एनर्जी कंज्यूम करती है। पाकिस्तान में ये रेशियो सिर्फ 20% है। तो पाकिस्तान को ये करना है कि चूंकि हम डॉलर्स दे के कैपेसिटी चार्जेस दे के आप एनर्जी जनरेट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, तो आपको उसको कंज्यूम भी प्रोडक्टिव पर्पसेस के लिए करना होगा। तो हुकूमत को इनोवेटिव टैरिफ लाके इंडस्ट्री को वापस जो है वो ग्रिड पे लाना होगा ताकि ना सिर्फ एनर्जी की डिमांड बढ़े बल्कि वो प्रोडक्टिव डिमांड बढ़े। तीसरी चीज़ ये जो कि हम सब भूल जाते हैं और शायद हमारे पॉलिसी प्लानर्स भी भूल जाते हैं और पॉलिटिशियंस भी भूल जाते हैं, वो ये कि ट्रांसमिशन में इन्वेस्टमेंट्स जो है वो हमने नहीं किए हैं। ट्रांसमिशन सिस्टम अभी भी पुराना है और अगर बेशक आपकी कैपेसिटी जो है वो 40-45 हज़ार मेगावाट्स लग चुकी है लेकिन आप उसे ट्रांसमिट सिर्फ 25 हज़ार मेगावाट्स कर सकते हैं, तो आपको पॉलिटिकल कैपिटल नहीं बिल्ड करना चाहिए पावर प्लांट्स बिल्ड करके। हमें जो है वो रैशनल डिसीजंस लेने होंगे ताकि हम ट्रांसमिशन लाइंस में इन्वेस्ट कर सकें और ये जो आपने कैपेसिटी इतनी ज्यादा लगा दी है उसको ट्रांसमिट भी कर सकें और अफोर्डेबल रेट्स पर। ठीक है, तो साकिब साहब ये अभी जो प्राइम मिनिस्टर ने ऐलान किया था ये ऑलमोस्ट कोई 11 रुपए फी यूनिट कमी का, 10.69 रुपए गालबन वो फिगर था, तो ये उससे भी फिर आप लोगों को इस वक्त इंडस्ट्री को जो बिजली मिल रही है उसमें कोई खातिर ख्वाह कमी आई है या नेपरा ने जब फिर ये प्राइसेस बढ़ाई हैं तो वो उसमें वो बैलेंस हो गया है? देखें ऑलमोस्ट बैलेंस हो गया है, हमें ये तकरीबन ये समझे कि 2-3 रुपए का हमें इसमें अब कुछ बस बचा है, जो पॉजिटिव आ रहा है वो सिर्फ 2-3 रुपए आ रहा है। इसमें जो एक और हैरानकुन बात है जो जब उन्होंने ये ऐलान किया था 10 रुपए कुछ पैसे का, तो उन्होंने ये भी साथ में बताया कि 150 अरब रुपए का ये बोझ पड़ा है गवर्नमेंट ने, 150 अरब रुपए जो है वो जो सब्सिडाइज जो ये किया है तो वो ये बोझ पड़े। तो हमने उनको बोला कि अगर आप 10 रुपए और कम कर दें इसमें। अच्छा ठीक है, चलें अब आपकी इस डिमांड पर का मसला है आने वाले दिनों में हम इंशाल्लाह अगले हफ्ते में इस पर मजीद भी गुफ्तगू करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर खालिद वलीद साहब, साकिब फयाज मगू साहब हमारे साथ मौजूद थे। इसी के साथ नाज़रीन आज के प्रोग्राम से इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।